बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रक ओनर एकता जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम है मनोज कुमार सिन्हा। ये बताइए, आप ये रोड सेल बंद है, क्या कारण इसका? रोड सेल बंद है, ये कुछ लोगों की साजिश के तहत बंद है। पूर्व के भांति में यहाँ सेल चलना चाहिए जैसे चलते आया है, और ऐसा कोई विवाद नहीं है यहाँ ट्रक ओनर और डीओ होल्डर के बीच में। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों किसके द्वारा बाधित किया जा रहा है? कौन लोग हैं ऐसे जो बाधित कर रहे हैं? कुछ यहाँ है क्या, ये रंगवाज टाइप के लोग हैं जो लोग यहाँ बंद कराए हुए हैं। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को की? हाँ, किए हैं, शिकायत किए हैं प्रशासन को। नाम भी दिया आप लोगों ने? हाँ, नाम भी दिए हैं। कितने लोग विरोध किया गया? 5 लोगों का नाम दिया गया है। कौन कौन है? मकसूद आलम, रिजवान, कलेंदर, बुधराम और ईश्वर महतो। किस थाना में आप लोगों ने मामला दर्ज कराया है? गांधीनगर थाना। वृद्धि, रेट वृद्धि जो हो रही है उसका क्या कारण है? इसका कारण तो है कोल इंडिया द्वारा चलाया गया ई ऑक्शन। ई ऑक्शन के तहत बोली लगा के लोग कोयला लाते हैं, इसमें बढ़ता है रेट। डीओ होल्डर का इसमें भूमिका नहीं, डीओ होल्डर कोई भूमिका नहीं, तो छोटा छोटा पार्टी रहता है अपना, उसमें आपस में लोग बढ़ता चला जाता है जिस वजह से रेट बढ़ता है। कुल मिलाकर डीओ होल्डर से आप लोग कोई शिकायत नहीं? हम लोग कोई शिकायत नहीं है डीओ होल्डर से। रोड सेल गाड़ी की आप लोग खलासी हैं? हाँ सर। कितने दिनों से खड़ी है गाड़ी? ये गाड़ी 24 तारीख से खड़ी, 22 तारीख से। क्या कारण है इसका? क्यों खड़ी है? रोड सेल का काम बंद है या क्या? किस कारण से मैंने खड़ी है, कुछ आप लोग पता चला? नहीं सर, ये तो पता नहीं चला। कुछ नहीं बताया गया आप लोगों को? नहीं सर। लोकल सेल को लेकर के कुछ लोगों ने, ट्रक ऑनरों ने आपके पास शिकायत की है, क्या शिकायत है, उसमें क्या मामला दर्ज किया गया? इसमें एक कांड दर्ज किया गया है। पैसा का लेन देन करने की बात आया है, कुछ वसूली होता है ट्रक ऑनरों से, और उस प्राथमिकी में पाँच अभियुक्त बनाया गया है, और अभी अनुसंधान अंतर्गत है। स्थिति क्या है, अनुसंधान में आगे का जो भी रहा आयो वो देखेंगे। उसके साथ साथ मेरे द्वारा भी किया जाएगा। कौन कौन सा धारा लगाया गया इसमें? इसमें 386, 387 और 34 भादवी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड संख्या 118-10 दर्ज की है। अभी फिलहाल जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो अनुसंधान अंतर्गत है, इसीलिए किसी तरह का भी, जब तक वो अनुसंधान में क्या स्थिति है, किसके विरुद्ध में क्या आरोप लगता है, तब तक गिरफ्तारी लंबित है। जिस पर आरोप लगेगा, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन लोगों पर पहले से भी कुछ मुकदमे BTPS वगैरह में दर्ज हैं, तो अनुसंधान के क्रम में ये सब क्लियर हो जाएंगे? हाँ, अगर प्राथमिकी दर्ज पहले से किया गया होगा तो उस प्राथमिकी को भी देखते हुए अनुसंधान में इससे तुलनात्मक अनुसंधान होगी। अगर उसमें भी आरोपित हैं और इसमें भी आरोपित हैं तो उसके आधार पर कि इस कांड में अनुसंधान में आरोप को दिखाते हुए लाया जा सकता है।